इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लास्ट लेक्चर शुरू करेंगे आज हम लोग लेक्चर नंबर 11। और मैं आपको बताऊं कि इस लेक्चर में हम लोग वेरिएशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ कंडक्टिविटीज, चाहे मोलर कंडक्टिविटी हो, चाहे इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी हो, चाहे स्पेसिफिक कंडक्टिविटी हो, इसका वेरिएशन डाइल्यूशन के साथ देखेंगे, कोलरोश लॉ पढ़ेंगे और उसके एप्लीकेशंस को जानने की कोशिश करेंगे, उस पर कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। तो आइए लेक्चर नंबर 11 शुरू करते हैं। लेक्चर 11 पहला टॉपिक क्या है? लेक्चर 11 का पहला टॉपिक है ना, वेरिएशन ऑफ वेरियस कंडक्टिविटीज विथ डाइल्यूशन। तो डाइल्यूट करने पे तरह तरह की कंडक्टिविटीज में क्या वेरिएशन आता है, ठीक है, इसको हम लोग यहाँ पे पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो पढ़ेंगे हम लोग है वो है ए, वेरिएशन ऑफ स्पेसिफिक कंडक्टिविटी या स्पेसिफिक कंडक्टेंस। होता क्या है, मान लीजिए अगर आपने यहां पे एक सेल लिया हुआ है और इसका कॉन्स्टिट्यूशन सी है, ठीक है, तो इसके 1 सेंटीमीटर क्यूब में आपको पता है कि जो स्पेसिफिक कंडक्टेंस होता है वो कंडक्टेंस होता है 1 सेंटीमीटर क्यूब का। तो अगर इस सॉल्यूशन के किसी 1 सेंटीमीटर क्यूब में मान लीजिए अभी 10 आयंस पर सेंटीमीटर क्यूब हैं, ठीक है, आप इसको डाइल्यूट कर देते हैं, आप इसे डाइल्यूट करते हैं और पानी मिला देते हैं। पानी मिलाने से क्या होगा, अब आपने पानी मिला दिया, बड़े बर्तन में डाल दिया और पानी मिला दिया, अब आप देखेंगे कि होगा क्या, होगा ये कि अब अगर आप इसको मान लो डाइल्यूट करके कॉन्सेंट्रेशन हाफ हो जाता है, तो आप पाएंगे कि अब पर स्क्वायर सेंटीमीटर नंबर ऑफ आयंस जो इसके अंदर है वो घट जाएंगे। पहले अगर 10 आयंस पर सेंटीमीटर क्यूब थे तो हो सकता है अब 5 ही आयंस, 5 आयंस पर सेंटीमीटर क्यूब ही बच जाए, ठीक है, 5 आयंस पर सेंटीमीटर क्यूब बच जाएंगे। अगर पहले 10 थे तो 5 बच गए, तो चूंकि पर सेंटीमीटर क्यूब नंबर ऑफ आयंस घट गए, इसलिए पर सेंटीमीटर क्यूब यानी स्पेसिफिक कंडक्टिविटी या कंडक्टेंस भी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो एक चीज मैंने सीखा, देखिए मैं आपको फिर से बताऊं, 1 सेंटीमीटर क्यूब की कंडक्टेंस को हम लोग स्पेसिफिक कंडक्टेंस या छोटा कप्पा कहते हैं। अगर आप पानी मिलाएंगे तो सिस्टम का वॉल्यूम बढ़ेगा, सिस्टम का वॉल्यूम बढ़ेगा, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब में जहां पहले 10 लोग थे, फैलने की वजह से अब 1 सेंटीमीटर क्यूब में हो सकता है 5 ही आयंस मौजूद हो, और अगर आयंस पर सेंटीमीटर क्यूब घट जाएंगे तो कप्पा यानी स्पेसिफिक कंडक्टेंस की वैल्यू घट जाएगी। तो मैं एक निष्कर्ष पे पहुंच रहा हूं क्या, कि ऑन डाइल्यूशन कप्पा डिक्रीज करते हैं, ठीक है। तो एक चीज तो हमने सीख लिया कि ऑन डाइल्यूशन कप्पा डिक्रीजेस। दूसरा वेरिएशन इसी टॉपिक का, मैं वेरियस कंडक्टिविटीज की बात कर रहा हूं, वेरियस कंडक्टिविटीज में मैं कहता हूं कप्पा है ना, मोलर कंडक्टिविटी या इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी पे क्या फर्क पड़ेगा। अब मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी पे क्या फर्क पड़ेगा इसको भी जाना जाए, ठीक है। तो दूसरी चीज क्या हो जाएगी, वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑन डाइल्यूशन क्या हो जाएगा, क्या वेरिएशन होगा, आइए इसको पढ़ते हैं, ठीक है। तो आप जानते हैं, सिंस वी नो दैट, हम जानते हैं मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू स्पेसिफिक कंडक्टेंस डिवाइड बाई 1000 मल्टीप्लाइड बाई 1000 बाई एम, वेर एम इज द मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन। इस इक्वेशन को और डिटेल में अगर आप लिखेंगे तो आप कह सकते हैं कि मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू स्पेसिफिक कंडक्टेंस अपॉन 1000 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई वॉल्यूम विच इज लाइक दिस, मल्टीप्लाइड बाई वॉल्यूम हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब ध्यान देने वाली बात है, मैं देखना चाहता हूं कि मोलर कंडक्टिविटी पे डाइल्यूशन का क्या फर्क पड़ता है। मुझे एक बात मालूम है जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले सीखी, कि डाइल्यूशन करने पर कप्पा डिक्रीज करता है, ठीक है। तो एक चीज तो श्योर है कि ऑन डाइल्यूशन कप्पा विल डिक्रीज, हेंस मोलर कंडक्टिविटी शुड डिक्रीज, तो मोलर कंडक्टिविटी को भी डिक्रीज करना चाहिए, मोलर कंडक्टिविटी को डिक्रीज करना चाहिए। यानी कहने का मतलब क्या है कि पानी मिलाने पर कप्पा घटता है, इसलिए मोलर कंडक्टिविटी को घटना चाहिए,
ठीक है। दूसरी बात क्या ना, दूसरी बात ये कि वॉल्यूम डाइल्यूशन करने पर बढ़ेगा, डाइल्यूशन करने पर वॉल्यूम बढ़ता है, ठीक है। तो ऑन डाइल्यूशन, ऑन डाइल्यूशन वॉल्यूम इंक्रीजेस, हेंस हेंस मोलर कंडक्टिविटी शुड इंक्रीज, शुड इंक्रीज, मोलर कंडक्टिविटी को बढ़ना चाहिए, यानी वॉल्यूम बढ़ने की वजह से मोलर कंडक्टिविटी को बढ़ना चाहिए, ठीक है। अब आप जानते हैं इन दोनों में से कोई ना कोई एक इफेक्ट जो है वो डोमिनेट करेगा, और मैं बता दूं जो इफेक्ट डोमिनेट करता है वो वॉल्यूम का इफेक्ट डोमिनेट करता है, यानी ये इफेक्ट डोमिनेट कर जाएगा, यानी नेट नेट है ना मोलर कंडक्टिविटी पानी मिलाने पर या डाइल्यूट करने पर बढ़ेगी, यानी जितना ये घटती है उससे ज्यादा ये बढ़ती है, ठीक है। तो मैंने सीखा क्या कि हियर द इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन वॉल्यूम, इंक्रीज इन वॉल्यूम विल डोमिनेट एंड हेंस मोलर कंडक्टिविटी विल इंक्रीज, ठीक है, मोलर कंडक्टिविटी विल इंक्रीज। अच्छा, तो एक चीज मैंने सीखा कि पानी मिलाने पर कप्पा घटता है, इससे मोलर कंडक्टिविटी को घटना चाहिए, पानी मिलाने पर वॉल्यूम बढ़ेगा, इससे मोलर कंडक्टिविटी को बढ़ना चाहिए, नेट नेट मोलर कंडक्टिविटी बढ़ती है क्योंकि वॉल्यूम का इफेक्ट जो है, इंक्रीज इन वॉल्यूम का जो इफेक्ट है वो डोमिनेंट इफेक्ट है, ठीक है, ये डोमिनेट करता है, डोमिनेट्स, एंड हेंस मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीजेस, ठीक है। एक बात, दूसरी चीज क्या, एक बात तो ये हो गई, दूसरी चीज क्या, इसी तर्ज पर, बिल्कुल इसी तर्ज पर आप जानते हैं इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इज कप्पा इनटू 1000 बाय नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स इनटू वॉल्यूम हो जाएगा। तो बिल्कुल सेम रीजंस ऑफ सेम एनालॉजी के अनुसार है ना, मैं कह सकता हूं कि डाइल्यूशन करने पर इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी भी क्या होती होगी, बढ़ती होगी। तो मैं लिख सकता हूं ऑन सेम लाइंस इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑल्सो इंक्रीजेस ऑन डाइल्यूशन, ठीक है। डाइल्यूशन करने पे मोल इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी भी क्या कर जाएगी, है ना, इंक्रीजेस ऑन डाइल्यूशन। तो अब तक हम लोगों ने एक बात तो सीख ली क्या, कि जितनी भी तरह की कंडक्टिविटीज होती है, चाहे वो है ना स्पेसिफिक कंडक्टिविटी हो या मोलर कंडक्टिविटी या इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी है, इनका डाइल्यूशन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये हमने समझ लिया है ना। हमने देखा कि डाइल्यूशन करने पर कप्पा जो है डिक्रीज करता है, क्योंकि नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम जो है डिक्रीज कर जाते हैं। अच्छा, यहां एक बात ध्यान देने की है कि पानी मिलाने पर डाइल्यूशन करने पर, हमने ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ देखा था, अल्फा इज इक्वल टू अंडर रूट के इक्विलिब्रियम बाई सी होता है, के इक्विलिब्रियम किसी भी इलेक्ट्रोलाइट के टूटने का इक्विलिब्रियम है। आप जानिए कि पानी मिलाने पर कॉन्सेंट्रेशन घटता है तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ना चाहिए, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ेगा तो नंबर ऑफ आयंस भी बढ़ने चाहिए। तो एक्चुअली यहां पर डाइल्यूशन की वजह से दो इफेक्ट हो रहे हैं, डाइल्यूशन की वजह से वॉल्यूम बढ़ रहा है जिससे आयंस पर यूनिट पर सेंटीमीटर घट रहे हैं, ठीक है, लेकिन डाइल्यूशन करने से कॉन्सेंट्रेशन घट रहा है तो आयंस बढ़ रहे हैं। तो नेट नेट ये जो फैक्टर है वॉल्यूम के बढ़ने वाला वो डोमिनेट कर जाता है, इससे नेट नेट एक सेंटीमीटर क्यूब में आयन घटते हैं और इस वजह से कप्पा जो है ना नेट नेट डिक्रीज करता है, ठीक है। मोटे तौर पे आप याद रखिए कि पानी मिलाने पर है ना स्पेसिफिक कंडक्टेंस घटता है, बाकी मोलर और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी बढ़ती है। तो ये चीज तो हम लोगों ने देख ली, आइए अब वीक और स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट के लिए देखें कि मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी कॉन्सेंट्रेशन के साथ कैसे वैरी करती है, वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी कैसे होता है डाइल्यूशन के साथ। ये तो हम सीख चुके हैं कि डाइल्यूशन करने पर मोलर कंडक्टिविटी या इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी डिक्रीज करती है, पर कैसे करती है और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए कैसे करेगी, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए कैसे करेगी, इसको समझने की जरूरत है, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या हो जाएगा, वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑन डाइल्यूशन फॉर वीक एंड स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए कैसे वैरी करता है, यह समझा जाए, ठीक है। एक चीज तो श्योर है कि अगर आप ग्राफ प्लॉट करेंगे मोलर कंडक्टिविटी का कॉन्सेंट्रेशन के साथ, ये अंडर रूट कॉन्सेंट्रेशन है,
ठीक है, दिस इज अंडर रूट कॉन्सेंट्रेशन है। तो क्या होगा जब कॉन्सेंट्रेशन बहुत हाई होगा, हाई, तो मान लीजिए ये कंडक्टिविटी है। देखिए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की बात कर रहा हूं मैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट आमतौर पर पूरी तरह से डिसोसिएटेड होते ही होते हैं, ठीक है, 100% डिसोसिएटेड होते हैं, या 95% इस इतने हाई कॉन्सेंट्रेशन में भी मे बी 99-95% डिसोसिएटेड होंगे, ठीक है। जैसे जैसे आप डायल्यूशन करते हैं, डायल्यूशन का मतलब होता है कॉन्सेंट्रेशन कम करना, डायल्यूशन का मतलब होता है कि आप कॉन्सेंट्रेशन कम करने की दिशा में बढ़ रहे हैं। जैसे जैसे आप डायल्यूशन करते जाते हैं, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया मोलर कंडक्टिविटी क्या होती जाएगी, बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। तो मोलर कंडक्टिविटी बढ़ती है बहुत, पर बहुत रैपिड नहीं बढ़ती। इसलिए नहीं बढ़ती है क्योंकि ऑलरेडी यहां पे अल्फा हो सकता है 99% हो, यहां पे 99.5% हो, या 99.8% हो, या 99.9% हो। तो होगा क्या कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पहले से ही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए बहुत ज्यादा होता है। आई एम टॉकिंग अबाउट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए है ना डिग्री ऑफ डिसोसिएशन शुरू में ज्यादा होता है। पानी मिलाने पर बहुत ज्यादा आयंस तो बनते नहीं है, ठीक है, तो बहुत ज्यादा मोलर कंडक्टिविटी भी नहीं बढ़ती है, ठीक है, ऐसा नेचर होता है। लेकिन एक चीज आप कह सकते हैं कि अगर इस ग्राफ को इसी तरह एक्सटेंड किया जाए, एक्स्ट्रापोलेट किया जाए, तो यहां कट करेगा और ये वो पॉइंट होगा जहां कॉन्सेंट्रेशन जीरो होगा। कॉन्सेंट्रेशन जीरो कैसे हो सकता है, आपको बताया कॉन्सेंट्रेशन इज नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाई वॉल्यूम। जब वॉल्यूम इनफाइनाइट होता है तब कॉन्सेंट्रेशन जीरो होता है, जब वॉल्यूम इनफाइनाइट होगा तब कॉन्सेंट्रेशन जीरो होगा। तो यानी कि वॉल्यूम इनफाइनाइट, इस जगह पर आते आते वॉल्यूम सॉल्यूशन का इनफाइनाइट हो जाता है, इस पॉइंट को इनफाइनाइट डाइल्यूशन कहते हैं, ठीक है। जरूरी नहीं कि आप पानी इनफाइनाइट मिलाए ही मिलाए, ये काल्पनिक स्थिति है, ए हाइपोथेटिकल पॉइंट है जहां आप आमतौर पर नहीं पहुंच सकते, ठीक है। अगर आप एक चुटकी नमक को आप पानी में डालते हैं, फिर उसमें लगातार आप इनफाइनाइट पानी डालेंगे तब आप यहां पहुंचेंगे, क्योंकि आप इनफाइनाइट पानी नहीं डाल सकते इसलिए आप यहां कभी नहीं पहुंच सकते। तो एक 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 स्थिति के बाद हम मान लेते हैं कि ये ग्राफ इसी तर्ज पर अगर बढ़ता रहेगा तो जहां कट करता वही वही मोलर कंडक्टिविटी हो जाती जब हम अनंत पानी इसमें मिलाते या इनफाइनाइट वाटर मिलाते। इस स्पेशल सिचुएशन को देखिए, ये ग्राफ तो मोलर कंडक्टिविटी के लिए है लेकिन ये ग्राफ जहां कट करता है उसे मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन कह सकते, ठीक है। या अगर आप इसको इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी कहते हैं तो आप इस पॉइंट को इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन कह सकते हैं, ठीक है ना, इनफाइनाइट डाइल्यूशन कह सकते हैं। अब होगा क्या, ये जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है ना, बाद में लोगों ने देखा कि इसका जो इक्वेशन आता है ऐसा आता है, मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू माइनस बी अंडर रूट कॉन्सेंट्रेशन प्लस मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ठीक है, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन निकल के आता है। तो ये चीज निकल के आती है, मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू माइनस बी अंडर रूट सी प्लस मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, जहां पे अब आप देख सकते हैं अगर वाई एक्सिस पे ये है मोलर कंडक्टिविटी है तो यू कैन अज्यूम इट टू बी वाई एंड ये सी हो जाएगा इंटरसेप्ट, स्ट्रेट लाइन जहां कट कर रहा है, ठीक है, माइनस बी आपका नेगेटिव स्लोप हो जाएगा और कॉन्सेंट्रेशन सी जो है वो एक्स एक्सिस पे है, वो एक्स की तरह बिहेव करेगा। तो आप साफ साफ देख सकते हैं कि ये ग्राफ जो है कैसा आ जाएगा, स्ट्रेट लाइन आ जाएगा। इस फेमस इक्वेशन को, इस फेमस इक्वेशन को कहते हैं हक्केल डिबाय ओनसागर इक्वेशन, हक्केल डिबाय ओनसागर इक्वेशन। तो हम लोगों ने क्या सीखा, हम लोगों ने अब तक सीखा कि जी हाँ बिल्कुल, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में अगर आप डाइल्यूशन करते जाएंगे तो उसकी मोलर कंडक्टिविटी बढ़ती जाएगी, ठीक है। और आप एक्स्ट्रापोलेशन ऑफ ग्राफ से, अगर ये ग्राफ को एक्स्ट्रापोलेट कर दें तो आप मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन या इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन निकाल सकते हैं अगर आप एक्स्ट्रापोलेशन ऑफ ग्राफ करें, ठीक है। अब बात करिए वीक इलेक्ट्रोलाइट की, ठीक है ना, वीक इलेक्ट्रोलाइट बहुत हाई कॉन्सेंट्रेशन पे उसकी कंडक्टिविटी बहुत कम होगी। ऐसा इसलिए क्योंकि इसका अल्फा बहुत कम है, भी अल्फा इज 0.1, यहां पे अल्फा हो सकता है 9.99 हो। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बहुत ज्यादा टूटे होते हैं लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट बहुत कम टूटे होते हैं। तो जैसे जैसे आप पानी मिलाएंगे दो फैक्टर काम करने लगता है, वॉल्यूम भी, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि मोलर कंडक्टिविटी के बढ़ने के पीछे वॉल्यूम भी रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है, कप्पा इंटू 1000 बाई मोलैरिटी, मोलैरिटी को कहते हैं नंबर ऑफ मोल्स बाई वॉल्यूम। तो पानी मिलाने पे वॉल्यूम बढ़ता है, वॉल्यूम बढ़ने से मोलर कंडक्टिविटी बढ़नी चाहिए, एक फैक्टर। शायद इसी वजह से
यहां पे मोलर कंडक्टिविटी बढ़ रही है क्योंकि आयंस में बहुत चेंज नहीं आ रहा, पर यहां पर क्या होगा, दो फैक्टर्स काम करने लगेंगे। अगर आप पानी मिलाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो मोलर कंडक्टिविटी बढ़ेगी, और पानी मिलाने से आप जानते हैं कि ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ क्या कहता है कि अल्फा इज इक्वल टू अंडर रूट के बाई सी, तो अंडर रूट सी अगर घटेगा तो अल्फा बहुत तेजी से क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, तो यहां दो फैक्टर है, एक तो पानी मिलाने से वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो मोलर कंडक्टिविटी बढ़ेगी, और सेकेंड फैक्टर है कि पानी मिलाने से कॉन्सेंट्रेशन घटेगा तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी बढ़ेगा, नंबर ऑफ आयंस बढ़ जाएंगे, नंबर ऑफ आयंस बनेंगे तो वो भी मोलर कंडक्टिविटी में मदद करेंगे, ठीक है, बढ़ने में मदद करेंगे। तो यहां दोहरा फैक्टर है, इसलिए इनका इनका जो इंक्रीज है वो बहुत रैपिड होता है, और जैसे जैसे और पास पहुंच जाते हैं, जैसे जैसे डाइल्यूशन बढ़ता जाता है, मे बी यहां अल्फा आते आते अल्फा जो है यहां पर आते आते 0.99 हो गया हो, ठीक है, तो आयंस भी यहां से लगभग 10 गुना ज्यादा हो चुके हैं और पानी भी बहुत ज्यादा बढ़ गया है, तो डबल फैक्टर्स इसको एक्सपोनेंशियली बढ़ा देते हैं, ठीक है। और एक दिक्कत आ जाती है कि वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए ग्राफ जो है ऑलमोस्ट पैरेलल हो जाता है ना, वाई एक्सिस के, तो ये जो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर ये वीक इलेक्ट्रोलाइट की क्या कंडक्टिविटी होती है, ये इंसान एक्स्ट्रापोलेशन ऑफ ग्राफ से नहीं निकाल पाता, आप मेरी बात समझ रहे होंगे, ठीक है। मैंने कहा वीक इलेक्ट्रोलाइट जो है उसकी मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन जरूर होती होगी, वो हाइपो है ना, जरूर होती होगी, इनफाइनाइट पानी मिलाने पर उसकी भी मोलर कंडक्टिविटी रुक जाती होगी, पर हम इस ग्राफ से उसको नहीं निकाल सकते क्योंकि यहां ग्राफ पैरेलल टू वाई एक्सिस हो गया, इसको ये कट करने में पता नहीं कहां कट करेगा, कितनी दूरी पर कट करेगा, ठीक है। तो क्या हम वीक इलेक्ट्रोलाइट का मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन या इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन नहीं निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं। उसको निकालने के लिए हमें एक लॉ यूज करना पड़ेगा जिस लॉ को कहते हैं कोलराश लॉ। तो मैं यहां पे बातें जो अभी सीखी है इसको नोट कर लेना मैं चाहता हूं कि आप नोट कर ले मेरे साथ। पहली चीज सीखी कि मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट can be calculated by extrapolation of graph, ठीक है, आप graph का extrapolation करके निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन for weak electrolytes, molar conductivity at infinite dilution and equivalent conductivity at infinite dilution cannot be calculated by extrapolation of graph as graph becomes constant, becomes parallel to y-axis, becomes parallel to y-axis। तो बड़ा मुश्किल हो गया, ठीक है, हम नहीं निकाल सकते, लेकिन फिर कैसे निकाल सकते हैं? सो इट इज मींस ये है ना, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफिनाइट डाइल्यूशन या इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एट इनफिनाइट डाइल्यूशन इज कैलकुलेटेड बाय कोलराश लॉ। सो इट इज कैलकुलेटेड बाय कोलराश लॉ। तो नेक्स्ट चीज है, समझा जाए कि कोलराश लॉ क्या होता है। कोलराश लॉ, अब देखिए मैं क्या कहना चाहता हूं, कोलराश लॉ कहता है कि जब इनफाइनाइट डाइल्यूशन हो जाए तब किसी इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी जो होगी वो मोलर कंडक्टिविटी ऑफ केटायन और मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ एनायन के सम के बराबर। जाहिर सी बात है, अगर किसी भी सेल में कंडक्टिविटी है यानी करंट बह रहा है ना, तो कुछ करंट का कंट्रीब्यूशन केटायन के वजह से होगा और कुछ करंट का कंट्रीब्यूशन किसके वजह से होगा, एनायन की वजह से होगा। इनफाइनाइट डाइल्यूशन इसलिए लिया जाता है, ये बात नॉर्मली भी ट्रू होगी, अगर आप इसको ऐसे लिखते हैं मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कंसेंट्रेशन C1 कॉन्सेंट्रेशन में मोलर कंडक्टिविटी ऑफ ए बी कितनी होगी, तो बिल्कुल मोलर कंडक्टिविटी उस कॉन्सेंट्रेशन पे ए की जितनी होगी और बी की जितनी होगी उसको आप है ना जोड़ सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए कोई कोई कंपाउंड है
इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे ए सी, तो आप क्या कह सकते हैं, इसको लिख सकते हैं मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ ए प्लस मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ सी। आप पाएंगे कि ये और ये इनफाइनाइट डाइल्यूशन मतलब और अब नहीं बढ़ सकता, ठीक है, और अब नहीं बढ़ सकता, ये अपने मैक्सिमम में पहुंच चुका है। जब मैक्सिमम में पहुंचने पर दोनों की वैल्यू बराबर होगी, इसलिए इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे आप कह सकते हैं कि ये और ये वैल्यू सेम होगी। मैं आपको बता रहा हूं कि क्यों इनफाइनाइट डाइल्यूशन लेते हैं, है ना, बात तो हमेशा ट्रू है, किसी कॉन्सेंट्रेशन पे ट्रू है, ठीक है, है ना। अच्छा, मोलर कॉन्सेंट्रेशन अगर सेम होगा तो ये बात, ये अगर कॉन्सेंट्रेशन सेम रहता है दो दो इलेक्ट्रोलाइट्स का या दो आयंस का, तो उनकी मोलर कंडक्टिविटी भी सेम होनी चाहिए, ठीक है, तो ये दोनों सेम होंगे। पर अगर आप मोलर कॉन्सेंट्रेशन लेते हैं, है ना, किसी एसी का मोलर कॉन्सेंट्रेशन आप लेते हैं एसी का, तो उसको आप लिख सकते हैं मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए प्लस मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी लिख सकते हैं। लेकिन दिक्कत यह है कि जरूरी नहीं कि ये दोनों सेम हो, ये और ये सेम हो सकता है ये किसी सी टू कॉन्सेंट्रेशन पे हो, ठीक है, तो सी टू कॉन्सेंट्रेशन पे ये आप कैसे इस वैसे कर लीजिए, सी वन कॉन्सेंट्रेट सी टू कॉन्सेंट्रेशन कर लीजिए, सी टू सी टू सी टू, दिस इज सी वन। तो आप नहीं कह सकते कि ये और ये दोनों सेम होगा, दे आर नॉट सेम, विल नॉट बी सेम, नॉट सेम। तो ये कहना कि किसी इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी उसके कैटायन और एनायन की कंडक्टिविटी के सम के बराबर है, ये किसी भी कॉन्सेंट्रेशन पे ट्रू है। पर तुम दो अलग अलग दो दो सेम आयंस को अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट में उनकी कंडक्टिविटी कंपेयर करना चाहते हो तो इनफाइनाइट पे ही जाकर दोनों बराबर होगी, नॉर्मली कॉन्सेंट्रेशन के हिसाब से बदल जाया करेंगे। इसलिए खोलरॉश ने इतना झंझट नहीं पाला कि सी वन कॉन्सेंट्रेशन सी टू कॉन्सेंट्रेशन पे खोलरॉश लॉ लिखा जाए, है ना। आमतौर पर किसी कॉन्सेंट्रेशन पे खोलरॉश लॉ लिखा जा सकता है पर लोग लिखते नहीं है क्योंकि उसका कोई फायदा नहीं है, ठीक है, आप एक इक्वेशन बनाकर दूसरे इक्वेशन से इसको इक्वेट नहीं कर सकते। इसलिए खोलरॉश लॉ जो दिया गया वो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे ही दिया गया, ठीक है। तो मैं फिर से स्टेट करना चाहता हूं, मैंने अपनी तरफ से समझा दिया कि क्यों इनफाइनाइट होता है, है ना। कोई अगर ये मुझसे पूछता है कि सर किसी और कॉन्सेंट्रेशन पे खोलरॉश लॉ ट्रू नहीं है, बिल्कुल है, खोलरॉश लॉ किसी और कॉन्सेंट्रेशन पे भी ट्रू है, पर किसी और कॉन्सेंट्रेशन पे चीजों को लेने का, है ना, बहुत मैथमेटिकल फायदा नहीं मिलेगा, उसका कोई एप्लीकेशन नहीं है, इसलिए खोलरॉश लॉ हम इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे लगाते हैं। तो मैं लिख सकता हूं, व्हाट इज खोलरॉश लॉ, खोलरॉश लॉ स्टेट्स दैट, मैं फिर से कह रहा हूं, खोलरॉश लॉ स्टेट्स दैट, यहां लिख देता हूं मैं, खोलरॉश लॉ स्टेट्स दैट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ईच कैटायन एंड एनायन, ईच कैटायन एंड एनायन हैव डेफिनेट डेफिनेट कॉन्ट्रीब्यूशन टूवर्ड्स द कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, और इट डजेंट मैटर कि आप जो जो आयन का कॉन्ट्रीब्यूशन है वो आप किस इलेक्ट्रोलाइट में ले रहे हैं, किसी भी इलेक्ट्रोलाइट में उसका कॉन्ट्रीब्यूशन डेफिनेट होगा, फिक्स होगा, ठीक है, है ना, है ना। तो खोलरॉश लॉ स्टेट्स दैट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन कैटायन एंड आयन have definite contribution towards the conductivity of electrolyte irrespective of electrolyte taken, and I can say irrespective of electrolyte taken, aap kaun sa electrolyte lete hain doesn't matter, aapne AB liya तो ए का जो कंट्रीब्यूशन होगा वो एक डेफिनेट फिक्स अमाउंट होगा, अगर आप एसी लेंगे तो एसी में भी ए का उसी वही डेफिनेट अमाउंट जो है ना कंट्रीब्यूशन उसमें भी हो जाएगा, ठीक है। तो इसको थोड़ा और डिटेल में समझते हैं खोलरॉश लॉ को, ये तो हम लोगों ने खोलरॉश लॉ अपनी तरफ से समझ लिया, खोलरॉश लॉ होता क्या, ठीक है, आइए इसके डिटेल में जाते हैं, इसको कैसे लिखा जाता, हाउ डू यू एक्सप्रेस द थिंग्स इन खोलरॉश लॉ, ठीक है। तो अगर मैं कहूं कि अगला टॉपिक है मेरा हाउ टू राइट खोलरॉश लॉ, कैसे खोलरॉश लॉ को लिखा जाए, हाउ टू राइट खोलरॉश लॉ,
तो कैसे लिखना है? ऐसे लिखते हैं, अगर मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन NaCl का दिया है तो आप इसे लिख सकते हैं मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ Na प्लस मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ Cl माइनस। ठीक है, आप इसको मोलर को मोलर के टर्म्स में लिखा आपने, मोलर को आप इक्विवेलेंट के टर्म्स में भी लिख सकते हैं। ठीक है, आशा है कि आपको पता होगा कि इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इज इक्वल टू मोलर कंडक्टिविटी अपॉन क्या, वैलेंसी फैक्टर। वैलेंसी फैक्टर तो आप इसको यह भी लिख सकते हैं कि इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डायल्यूशन ऑफ Na बाई वैलेंसी फैक्टर वन, है ना, एनायंस का वैलेंसी फैक्टर उनका चार्ज जितना होता है उतना ही हो जाता है, प्लस इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डायल्यूशन ऑफ Cl माइनस बाई वन लिखा जा सकता है। ठीक है, ऐसे अगर मैं कहूं मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डायल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड तो आप कैसे लिखेंगे, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डायल्यूशन ऑफ बेरियम, है ना, प्लस मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डायल्यूशन ऑफ क्लोराइड आयन इनटू 2, बिकॉज दो क्लोराइड आयन एक मोल बेरियम क्लोराइड में, ये मोलर कंडक्टिविटी है ना, तो एक मोल है, एक मोल बेरियम क्लोराइड में एक मोल बेरियम होता है और दो मोल क्लोराइड आयन। इसको अगर मैं इसी मोलर कंडक्टिविटी को अगर मैं इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के टर्म्स में लिखना चाहूं तो मैं लिखूंगा इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डायल्यूशन ऑफ बेरियम, आई एम सॉरी यहां पे मल्टीप्लीकेशन होना चाहिए, मोलर कैन बी रिटन एज इक्विवेलेंट इनटू वैलेंसी फैक्टर। ठीक है, तो यहां पे 1 मल्टीप्लाई होगा, अब उसका मीटिंग का मिस्टेक है, और यहां पे भी 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऐसा आ जाएगा। ऐसे यहां क्या लिख सकते हैं, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ बेरियम, बेरियम मोलर कंडक्टिविटी ऑफ बेरियम कैन बी रिटन एज इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ बेरियम इनटू वैलेंसी फैक्टर, यानी बेरियम का वैलेंसी फैक्टर कितना हो जाएगा 2 प्लस, इतना तो पहले से ही था, और मोलर कंडक्टिविटी ऑफ क्लोराइड आयन कितना हो जाएगा, है ना, ये तो पहले से मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन 2 तो पहले से ही था, और मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन को क्या लिख सकते हैं, इक्विवेलेंट इनटू वैलेंसी फैक्टर, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ क्लोराइड आयन इनटू वैलेंसी फैक्टर 1 हो जाएगा, जो मैंने नहीं लिखा है यहां पे। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कैसे मैं मोलर मोलर के टर्म्स में कोलराज लॉ लगा रहा हूं, मोलर को इक्विवेलेंट के टर्म्स में भी कोलराज लॉ लगाना आपको मैं सिखा रहा हूं। ठीक है, ऐसे ही मैं मोलर कंडक्टिविटी सबसे कॉम्प्लेक्स केस ले लीजिए जहां कैटायन भी एक से ज्यादा हो, एनायन भी एक से ज्यादा हो, मान लीजिए मैंने ये लिखा, तो आप यहां लिख सकते हैं 2 इंटू मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डायल्यूशन ऑफ एल्यूमिनियम आयन प्लस 3 इंटू मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डायल्यूशन ऑफ सल्फेट आयन। ठीक है, सल्फेट आयन लिख सकते हैं, और दैट इज इक्वल टू, ठीक है ना, दैट इज इक्वल्स टू, इतना तो लिख लिया मैंने, है ना, 2 इंटू मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ एल्यूमिनियम आयन, है ना, प्लस 3 इंटू मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ सल्फेट आयन, सही है। ठीक है, फिर लिख सकते हैं 2 इंटू मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एल्यूमिनियम आयन, क्या लिखा जाएगा, लिखा जाएगा इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ एल्यूमिनियम आयन इंटू वैलेंसी फैक्टर, वैलेंसी फैक्टर कितना है इसका, 3 है। ठीक है, तो मैं इसको लिख सकता हूं 3 इंटू इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ एल्यूमिनियम आयन प्लस 3 तो पहले से था, और यहां पर 2 इंटू इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ क्या, सल्फेट आयन, ऐसे लिखा मैंने। ठीक है, तो अल्टीमेटली ये 6 हो जाएगा, ये भी 6 हो जाएगा और ये भी 6 हो जाएगा इंटू, मैं यहां पे भी लिख सकता हूं कि 6 इंटू, है ना, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ एल्यूमिनियम आयन प्लस 6 इंटू इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ क्या, सल्फेट आयन लिखा जा सकता है। ठीक है, अच्छा ये तो बात हुई कि आपने मोलर को कैसे एक्सप्रेस किया, आपने मोलर को कैसे एक्सप्रेस किया, मैंने मोलर को मोलर के टर्म्स में और मोलर को इक्विवेलेंट के टर्म्स में एक्सप्रेस किया। अब इक्विवेलेंट को इक्विवेलेंट के टर्म्स में और इक्विवेलेंट को मोलर के टर्म्स में कैसे एक्सप्रेस करते हैं, कैसे कोलराज लॉ लगाते हैं, कैसे कोलराज लॉ लिखा जाता है, ये भी सीखते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए अगर कभी आपको ये इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डायल्यूशन ऑफ NaCl दिया है तो ध्यान रखिएगा ये एक इक्विवेलेंट है, यानी एक ही इक्विवेलेंट Na होगा और एक ही इक्विवेलेंट क्या होगा, Cl माइनस होगा। अगर आप इसको ऐसे लिखना चाहेंगे तो दोनों का वैलेंसी फैक्टर 1:1 है, तो आप इसको मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ सोडियम, है ना, बाई 1 प्लस मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ Cl माइनस बाई 1 लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा ध्यान रखिएगा कि चार्ज अगर नेगेटिव हो ना तब भी वैलेंसी फैक्टर उसका सिर्फ मैग्नीट्यूड ही होता है, ठीक है, आप साइन के साथ उसको नहीं लेते हैं।
अच्छा दूसरी चीज क्या है, अगर मैं लिख रहा हूं इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड, तो याद रखिए एक इक्विवेलेंट है, तो यानी एक ही इक्विवेलेंट बेरियम लिया जाएगा, एक इक्विवेलेंट और एक ही इक्विवेलेंट क्लोराइड आयन लिया जाएगा। यहां ध्यान रखिएगा बच्चे गलती करते हैं, यहां पे टू लेने की टेंडेंसी हो जाती है क्योंकि उनको लगता है दो क्लोराइड। देखिए एक मोल बेरियम क्लोराइड में दो क्लोराइड है, इसमें कोई डाउट नहीं, पर एक इक्विवेलेंट बेरियम क्लोराइड में एक ही इक्विवेलेंट बेरियम और एक ही इक्विवेलेंट क्लोराइड होगा, क्योंकि इक्विवेलेंट वर्ड ही इसलिए निकाला गया था कि सारे लोग क्या हो, बराबर हो। ठीक है, इक्विवेलेंट एक ऐसा क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस तरीका है जिसमें सबके क्वांटिटी जो है इक्विवेलेंट के टर्म्स में बराबर होती है। तो ये एक इक्विवेलेंट है, तो ये भी एक इक्विवेलेंट होगा, ये भी एक इक्विवेलेंट होगा। हाँ, जब इसे मोलर के टर्म्स में लिखेंगे तो लिखेंगे मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ बेरियम आयन बाय, इक्विवेलेंट को क्या लिख सकते हैं, बाय वैलेंसी फैक्टर। बेरियम का वैलेंसी फैक्टर कितना है, टू, प्लस मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ क्लोराइड आयन बाय वन, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, और ऐसे ही अब सबसे कॉम्प्लेक्स केस उठा लीजिए, अगर आप लिखते हैं इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ एल्यूमिनियम सल्फेट, तो क्या लिखेंगे इसे, है ना, लिखेंगे टू इंटू इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ, सॉरी टू क्यू वन, क्योंकि ये एक इक्विवेलेंट है ना, तो एल्यूमिनियम का भी एक ही इक्विवेलेंट होगा, वन इंटू वन इक्विवेलेंट ऑफ एल्यूमिनियम आयन, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वन इक्विवेलेंट ऑफ एल्यूमिनियम आयन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, प्लस वन इंटू इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ वॉट, सल्फेट आयन लिखा जा सकता है। ध्यान रखिएगा बार बार कह रहा हूं मैं, एक इक्विवेलेंट होगा तो यहां एक और यहां भी एक ही रहेगा। हाँ, जब आप इसे मोलर के टर्म्स में लिखेंगे तो आप लिख सकते हैं दिस कैन बी रिटन एज मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ एल्यूमिनियम आयन डिवाइड बाय वैलेंसी फैक्टर विच इज ऑफ कोर्स 3, एंड दिस कैन बी रिटन एज मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ सल्फेट आयन डिवाइड बाय 2। ठीक है, तो मैंने आपको ना सिर्फ ये बता दिया, अब तक हम लोगों ने क्या काम किया इस लेक्चर में, हम लोगों ने पता लगाया कि डाइल्यूशन करने पर क्या वेरिएशन होता है मोलर कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी और स्पेसिफिक कंडक्टिविटी में। फिर हम लोगों ने सीखा कि स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी कैसे वेरी करते हैं। फिर हम लोगों ने सीखा कि मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन हम है ना वीक इलेक्ट्रोलाइट का कोलरॉस लॉ से निकाल सकते हैं, इसलिए हम चल पड़े कोलरॉस लॉ समझने। कोलरॉस लॉ को हमने ये समझा कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर जो कंट्रीब्यूशन होता है कैटायन आयन का, वो डेफिनेट होता है, फिक्स होता है, किसी बाकी और समय भी कोलरॉस लॉ लगा सकते हो, पर वो डेफिनेट नहीं होगा, ये उसके बराबर नहीं होगा क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन के हिसाब से वेरी कर सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, देखिए किताबों में सिर्फ इतना लिख के छोड़ देते हैं, वो एक्सपेक्ट नहीं, वो पूरे डिटेल में नहीं जाते हैं, लेकिन एग्जाम में मोलर कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रोलाइट के लिए आ सकता है, मोलर को मोलर के टर्म्स में, मोलर को इक्विवेलेंट के टर्म्स में कैसे लिखते हैं आना चाहिए। ऐसे ही आपको इक्विवेलेंट को इक्विवेलेंट के टर्म्स में, कितनी इंपॉर्टेंट बात है जो कोई नहीं किताबों में नहीं लिखते कि इक्विवेलेंट के में हमेशा ये और ये हमेशा वन रहेगा। ठीक है, तो इतना सीखने के बाद अब लास्ट टॉपिक पढ़ने की जरूरत है, एप्लीकेशन ऑफ कोलरॉस लॉ, एप्लीकेशन ऑफ कोलरॉस लॉ। सबसे पहला एप्लीकेशन तो वही हो जाएगा क्या जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन या इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन जो है वो आप एक्स्ट्रापोलेशन ऑफ ग्राफ से नहीं निकाल सकते, क्योंकि ग्राफ जो है वाई एक्सिस का क्या हो जाता है, पैरेलल हो जाता है। ठीक है, तो यहां पर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन हम कोलरॉस लॉ से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, कैसे करते हैं मैं क्वेश्चन के जरिए दिखाऊंगा। तो पहला एप्लीकेशन है फर्स्ट टू कैलकुलेट द मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। ये पहला एप्लीकेशन है। आइए इस एप्लीकेशन को समझने के लिए ना एक क्वेश्चन करते हैं, क्लियर हो जाएगा। ये क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कैलकुलेट द मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, कैलकुलेट द मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड,
ऑफ एसिटिक एसिड इफ मोलर कंडक्टिविटी, इफ मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ CH3COONA comma HCl and NaClr 91.6 comma 425.0 and 128.1 ohm per ohm centimeter square per mole. ठीक है, ये दिया हुआ है. चलिए आइए इसे कैलकुलेट करते हैं. तो बड़ा ही सिंपल इसका सॉल्यूशन हो जाएगा. इसका सिंपल सॉल्यूशन हो सकता है कि आपको मोलर कंडक्टिविटी एसिटिक एसिड की निकालनी है. मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड, जो कि आप एक्स्ट्रापोलेशन ऑफ ग्राफ से नहीं निकाल सकते. पर इतना पता है कि जब भी ये इनफाइनाइटली डाइल्यूट हो जाएगा तब डेफिनेट कॉन्ट्रीब्यूशन होगा एसिटेट आयन का, और कुछ डेफिनेट कॉन्ट्रीब्यूशन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन होगा कुछ एच प्लस आयन का. ये जो डेफिनेट वैल्यूज हैं, जरूरी नहीं कि आप इन वैल्यूज को ये वैल्यूज किसी और इलेक्ट्रोलाइट में भी होंगी तब भी इसकी वैल्यूज क्या आएगी, सेम आएगी. अभी थोड़ी देर पहले मैंने समझाया था इनफिनाइट डाइल्यूशन पे एसिटेट चाहे किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का पार्ट हो उतना ही वैल्यू रखता है, एच प्लस उतनी ही वैल्यू रखता है. अब इन्होंने किया क्या है क्वेश्चन में, बाकी सारे इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रांग है. देखिए, ऑल सॉल्ट्स आर स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट. HCl इज स्ट्रांग एसिड. मैंने कहा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स कौन कौन से होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस एंड ऑल सॉल्ट्स. स्ट्रॉन्ग एसिड कौन कौन से, सात, HCl, HBr, HI, HNO3, H2SO4, HClO4, HClO3. और स्ट्रॉन्ग बेस कौन कौन से, मोटे तौर पर अल्कली मेटल्स और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स. और दुनिया के जितने सॉल्ट्स हैं वो भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में गिने जाते हैं. तो ये दोनों स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स हैं क्योंकि सॉल्ट्स हैं, और ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है. तो इनकी जो मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन है, इसकी वैल्यू हमने जरूर एक्स्ट्रापोलेशन ऑफ ग्राफ से निकाल लिया होगा. ठीक है, तो इन तीनों वैल्यूज का सहारा लेके मुझे इन दोनों का सम यानी इसकी वैल्यू निकालनी है. बड़ी इजिली आ जाएगा. मैं यहां से कहीं ना कहीं ये निकालने की कोशिश करूंगा, और इस चीज से की वैल्यू, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ एच प्लस आयन की वैल्यू जो है HCl के से निकालने की कोशिश करूंगा. तो देखते हैं ये कैसे आता है. क्या लिख सकते हैं, आइए खोल रोशन लगाते हैं सोडियम एसिटेट के लिए. क्या लिख सकते हैं, 91.6 इज इक्वल्स टू, 91.6 इज इक्वल्स टू मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ एसिटेट आयन प्लस मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ सोडियम आयन. ऐसे लिख सकते हैं, मैंने खोल रोशन लगा दिया. ठीक है, HCl के लिए लगाते हैं. HCl की मोलर कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है, 425 होती है. ये इसको आप लिख सकते हैं, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ H प्लस प्लस मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ Cl माइनस. ठीक है, और लास्टली NaCl की मोलर कंडक्टिविटी 128.1 होती है. दैट कैन बी रिटन एज मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ Na प्लस मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ Cl माइनस. ठीक है, अब आप क्या करेंगे, इन तीनों वैल्यूज से मुझे ये वैल्यू लानी है. बहुत इजीली आ जाएगी ये वैल्यू. कैसे आ जाएगी, मुझे इसका और इसका सम चाहिए. यानी लेट्स डू वन थिंग, लेट इट बी इक्वेशन नंबर वन, लेट इट बी इक्वेशन नंबर टू, एंड लेट इट बी इक्वेशन नंबर थ्री. ठीक है ना, क्या करिए, इक्वेशन वन और इक्वेशन टू को जोड़ दीजिए और इक्वेशन थ्री उसमें से घटा दीजिए. ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं आप, 91.6 प्लस 425 प्लस 128.1 इज इक्वल्स टू, इन दोनों को आप जोड़ दीजिए और इसको घटा दीजिए. घटाने वाली चीज को आप यहां पे नेगेटिव लिख सकते हैं. ये और ये कैंसिल हो जाएगा, Cl कैंसिल हो जाएगा. तो दो चीज जो बचेगी वो वही बच जाएगी जिसकी हमें जरूरत है ना, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ एसिटेट आयन प्लस मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ एच प्लस आयन, विच इज मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ एसिटेट आयन. ये यहां पर जो है मेरे से गलती हो रही है, माइनस हो जाएगा. ठीक है, तो ये दोनों का सम जो है वो मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ एसिटेट आयन आ जाएगा, जो कि एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है. इसकी वैल्यू इतनी आ जाएगी, इसको आप कैलकुलेट कर लेंगे. इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, मोलर कंडक्टिविटी
एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड, ऑफ कोर्स व्हिच इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट, टर्न्स आउट टू बी, इसको आप जोड़ लीजिए, इसको जोड़ेंगे तो मेरे ख्याल से 388.5 आ जाएगा, ठीक है ना, आप चेक कर लीजिएगा, 388.5 पर ओम सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो एक एक क्वेश्चन हम लोगों ने देखा है ना, जो जो बताता है एप्लीकेशन ऑफ कोलरॉश लॉ के बारे में, है ना। कोलरॉश लॉ का क्या एप्लीकेशन है कि कोलरॉश लॉ से हम वो इलेक्ट्रोलाइट जो वीक होते हैं, जिनका ग्राफ वाई एक्सिस के पैरेलल हो जाता है, उनका भी हम लोग मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है ना, बड़े आसानी से कैलकुलेट किया जा सकता है। देखिए ये क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल था, इसमें सबके कोफिशिएंट्स 1 थे, 1 1 1 1 1 1। व्हाट अबाउट अ कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रोलाइट्स, अगर हम इलेक्ट्रोलाइट्स यहां पे कॉम्प्लेक्स ले लें और तब क्या होगा, तो ऐसा एक क्वेश्चन भी हम लोगों को जरूर करना चाहिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, इफ मोलर कंडक्टिविटी, इफ मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम क्लोराइड एंड NH4Cl आर 523.28, 280.0 एंड 129.8, ना 523.28, 280.0, 129.8 पर ओम सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, कैलकुलेट मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो ये क्वेश्चन है जिसमें मोलर कंडक्टिविटी ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड कैलकुलेट करने को दिया गया। देखिए ये एल्कलाइन अर्थ मेटल हाइड्रोक्साइड है, इट इज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ऑल सॉल्ट्स ऑफ आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है, ऑल सॉल्ट्स आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, बट दिस इज अ बेस एंड विच इज नॉट अल्कली मेटल हाइड्रोक्साइड एंड एल्कलाइन अर्थ मेटल हाइड्रोक्साइड नहीं है, इसलिए पुअर बेस है। पुअर बेस मतलब पुअर इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी आप जो है कभी भी पुअर इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी आप एक्स्ट्रापोलेशन ऑफ ग्राफ से नहीं निकाल सकते, इसलिए यहां पे हमें कोलरॉश लॉ लगाना पड़ेगा। तो ये गिवन जो डेटा है इससे मुझे कुछ ना कुछ मैनिपुलेशन करके ये लाने की कोशिश करनी है। आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं क्या हो जाएगा। एक चीज तो मुझे पता है कि मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड शुड बी इक्वल टू मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ अमोनियम आयन प्लस मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन के बराबर होना चाहिए, ठीक है, इसके बराबर आ जाना चाहिए। तो मुझे यही दोनों चीजें एक्चुअली छोड़कर निकालनी है इन गिवन वैल्यूज से, जो भी वैल्यूज दी गई हैं। आइए गिवन वैल्यूज से चीजें कैलकुलेट करते हैं। हाइड्रोक्साइड की मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन जो दिया हुआ है वो 523.28 है, विच कैन बी रिटन एज, क्योंकि मोलर कंडक्टिविटी तो मैं लिख सकता हूं मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ बेरियम आयन प्लस 2 × मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन, ठीक है, हाइड्रोक्साइड आयन लिख सकता हूं। ऐसे ही इसको क्या लिख सकते हैं, बेरियम क्लोराइड की मोलर कंडक्टिविटी कितनी दी गई है, 280.0, विच कैन बी रिटन एज मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ बेरियम आयन प्लस 2 × मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ क्लोराइड आयन लिख सकता हूं मैं, ठीक है। और लास्टली मुझे मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड दिया हुआ है, जिसकी वैल्यू 129.8 है, विच इज इक्वल टू कैन बी रिटन एज मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ अमोनियम आयन प्लस मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ क्लोराइड आयन। अब आप बहुत ही साफ साफ यहां पर देख सकते हैं कि मुझे अमोनियम आयन चाहिए और वो भी कोफिशियंट 1 चाहिए, मुझे हाइड्रोक्साइड आयन चाहिए वो भी कोफिशियंट 1 चाहिए, ठीक है। तो अमोनियम आयन तो यहां पे है और कोफिशियंट 1 भी है, नो डाउट, हाइड्रोक्साइड आयन का मुझे कोफिशियंट 1 चाहिए। तो एक काम करते हैं, इसको हाफ से मल्टीप्लाई कर देते हैं, हाफ से मल्टीप्लाई कर, तो हाफ से जब मल्टीप्लाई करोगे आप ऐसे हाफ से मल्टीप्लाई किया तो ये 2 गायब हो जाएगा। अब एक चीज तो पक्का है कि हाइड्रोक्साइड आयन और अमोनियम आयन एक कोफिशियंट हो गए, ठीक है। अब मैं इनको जोड़ भी देता हूं तो मुझे अमोनियम हाइड्रोक्साइड मिल जाएगा, पर मैं ये चाहता हूं कि जो ये अनावश्यक चीजें हैं जैसे ये क्लोराइड है,
या फिर ये जो बेरियम है ये गायब हो जाए, तो एक काम करते हैं इनको गायब कब होंगे, यहां 2 मोल क्लोराइड है यहां 1 ही मोल है, तो इसको भी 1 मोल कर लेते हैं, या ये दोनों अगर कैंसिल होना है तो ये अगर हाफ है, देखिए ये तो हाफ रहेगा क्योंकि इसको 1 होना है, ठीक है, इसको 1 करने के लिए मैंने हाफ से मल्टीप्लाई किया, तो इसमें तो कोई चेंज ला नहीं सकते। अब चाहते हो कि बेरियम गायब हो जाए तो इसको भी हाफ होना पड़ेगा, तो एक काम करिए इसको हाफ से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ऐसे लिख सकते हैं। अब ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है और ये इक्वेशन 3 है। एक काम करिए इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 को जोड़ दीजिए और इक्वेशन 2 को उसमें से घटा दीजिए, यानी क्या लिख सकते हैं आप, 523.28/129.8-280.0/2 कैन बी रिटन एज, है ना, इसको लिख सकते हैं आप, 1 और 3 को जोड़ दीजिए, तो 1 और 3 को जोड़ देंगे तो आप लिख सकते हैं, है ना, मोलर, देखिए 1 और 3 तो जोड़ दिया मैंने और 2 को घटा दिया, तो इसको माइनस लिख दीजिए, माइनस जो कि यहां पर रिफ्लेक्ट हो रहा है, माइनस माइनस, ये और ये कैंसिल हो गया और ये कैंसिल हो गया, जो चीज बच जाएगी वो बच जाएगी मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ अमोनियम आयन प्लस मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ अमोनियम आयन प्लस मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन, ठीक है ना, एंड दिस कैन बी रिटन एज, आप इसको जोड़ दीजिए, ठीक है ना, इसको आप जोड़ेंगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी, तो इसकी वैल्यू मेरे पास है पहले से 251.44 = और इस चीज को हम लोग लिख सकते हैं, है ना, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड विच इज ऑफ कोर्स अ वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो आपने देखा कि जरूरी नहीं कि कोफिशियंट 1 हो, अगर कोफिशियंट 1 से ज्यादा होता है तो आप इन इक्वेशंस में हाफ या अपने हिसाब से कोई भी नंबर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक एप्लीकेशन हुआ कोलराउस लॉ का, जिसमें हम लोगों ने वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन एक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन कैलकुलेट किया। आइए दूसरा एप्लीकेशन देखते हैं।